Welcome everyone to the performance RHR based on K.R. Meera's novel. This play is designed and directed by Fasil Efendi. And before we start off the show, please, we kindly ask every one of you to switch off your phone or put it in silent mode. Thank you. काम मिला है वो आपको कहने आया, ये मेरी गलती है। पकड़, सुन, मौत को हम नहीं टाल सकते। एक जल्लाद की हैसियत से जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मौत को कोई मात नहीं दे सकता, एक दो नहीं
पूरे 451 लोगों को फांसी पर लटकाया इस फणीभूषण कृदा मलिक ने, समझे? चेतना जी बाबा, जराओ आज तुमने सोनागाजी में एक आदमी को फंदा डालकर मारने की कोशिश की है? वो फंदा तुमने कैसे बनाया? मैंने अपने दुपट्टा से बनाया था। काकू इधर आइए, जल्दी आइए, मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये मैंने उसके गले में ऐसे डाला और फिर ये सिर्फ आप पकड़िए। देखो बेटी, इधर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ ऐसे इधर होनी चाहिए फंदे की जगह। थोड़ा इधर उधर भी हुआ तो आदमी की दम घुटने से छटपटाकर मौत हो सकती है और ये एक जल्लाद के लिए बड़ी शर्म की बात है जी। भारत में 12 साल बाद यतीन्द्रनाथ बनर्जी की फांसी होने जा रही है। ऐसे में फणीभूषण कृदा मलिक का कहना है कि अगर सरकार उनकी जरूरतों को नहीं मानती है तो वो फांसी लगाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे में यतीन्द्रनाथ बनर्जी की फांसी एक विवादों से घिर चुकी है। आइए देखते हैं फणीभूषण कृदा मलिक का इस बारे में क्या कहना है। जी बाबू, जब 1980 में जब्बार सिंह को फांसी का ऐलान किया गया था तब सरकार ने मुझसे वादा किया था कि मेरे परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, पर कर गए। आखिर मेरा भी परिवार है, मैंने और मेरे परिवार ने देश के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी, तो सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए ना। और मैं जिसकी फांसी लगाने जा रहा था वो तो मेरे बेटे की उम्र तक का नहीं था। वही 1990 में जब अमर्त्य घोष को फांसी का ऐलान हुआ तो उसके बाप ने बदला लेने के लिए मेरे बेटे पर हमला कर दिया। उसने मेरे बेटे के हाथ पांव काट दिए और बिना हाथ पांव के मेरा बेटा एक मुर्दा की तरह बिस्तर पर लाश की जिंदगी काट रहा है। आपका बेटा ही विकलांग हुआ है, लेकिन आपकी एक काबिल बेटी भी है, क्या आप अपना कार्यभार उसे सौंपने में दिलचस्पी नहीं रखते? रखते हैं, पर इसका फैसला तो सरकार को लेना है ना। जब तक अपनी बेटी को सरकारी नौकरी ना दिला दें तब तक फणीभूषण कृदा मलिक ने सरकार की आज्ञा को ना मानने और फांसी लगाने का कार्य बंद रखने का फैसला किया है। और जब उन्होंने ये इच्छा न्याय मंत्री पल्लव दास गुप्ता को बताई तो उन्होंने ये इच्छा ये कहकर नकार दी कि काम औरतों के बस का बिल्कुल भी नहीं है। और इसके चलते ये विवाद और भी घिरा गया और अब फणीभूषण कृदा मलिक की सरकार से लड़ाई अभी तक जारी है। विद्या दादा, अब पागल हो गए हो क्या? वो छोटी बच्ची है। फांसी वाले खंबे को क्या पता कि कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन बुड्ढा है। सुनो, जल्लाद आदमी हो या औरत, फांसी लगने वाले को आदमी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे खानदान के खून में शौर्य और वीरता हमेशा से थी और फिर वो मेरी बेटी है। चेतना कृदा मलिक, क्या आप जल्लाद के काम को सही मानते हैं? मैं किसी को सही या गलत नहीं मानती। दुनिया में और भी काम है, एक औरत होने के नाते फांसी लगाते वक्त आपके हाथ नहीं कांपेंगे? नहीं कांपेंगे, लेकिन उस बर्बाद होती हुई जिंदगी को देखकर
वेतन जरूर सकूंचा जाएगा। आपको गुनाह का एहसास नहीं होगा फांसी का फंदा लगाते वक्त? मैं किसी भी चीज को सही या गलत नहीं मानती, मानने वाली तो सरकार है, मैं तो सिर्फ एक साधन मात्र हूँ। और आप मेरी फोटोज ले रहे हैं? नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं। आपने फोटोज ली है ना? फोटो नहीं, नहीं दीजिए मुझे ये। बेटी क्या कर दिया इतना महंगा फोन तोड़ दिया उनका? अरे संजीव बाबू, कोई बात नहीं पड़ेगा भाई, बिना पूछे इनका वीडियो ले रहा था, मैं चलता हूँ। फरीदा ये इस काम से आया था भूलिया, सरकार की तरफ से है। मैं तुमको चाहता हूँ, मैं तुमको पाकर भी रहा बेटी, हम जीत गए बेटी। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लेकर आए हैं संजीव बाबू, सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। पढ़ो इसे। इसका मतलब मुझे अब जल्लाद की नौकरी करनी पड़ेगी? हाँ बेटा, आज से तुम जल्लाद की नौकरी करोगी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद के लिए मैं हूँ, तुम्हारे चाचा हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सुनो, फांसी की सजा का पहला पड़ाव होता है तारीख तय करना, और वो कुछ ही समय बाद हो जाएगा। तुम घबराओ मत, बस तैयार रहो। फरीदा, संजीव बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार ने आपकी मांगे आखिरकार मान ली। काम से आया था वो तुम ही नहीं। चेतना, संजीव बाबू आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। अरे बेटा, ये टीवी में ही प्रसारण नहीं करते, अखबारों में भी लिखते हैं। संजीव बाबू, आपको जो पूछना है मेरे से पूछिए, उसको अभी सिग्नल। चेतना गर्दा मलिक, अपने पिताजी फणी भूषण गर्दा मलिक के बारे में आपके क्या ख्याल है? मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सही कहा ना? जी बाबा। चिंता जी, अगर आप इस धंधे को अपनाती हैं, आपसे शादी कब करें? मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे काम से। इंसान का व्यक्तित्व उसके काम से अलग नहीं हो सकता। वृद्धा दादा, हाँ? जब आप फुर्सत में होंगे तो आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए कि क्या आप चेतना का हाथ मेरे हाथ में देंगे? नहीं, बस इतनी सी बात। ये नहीं चेतना, चेतना जरा हाथ दिखा दो अपना। चेतना को नौकरी मिलने की जिम्मेदारी हमारा चैनल लेता है। सच में? चेतना, देखा तुमने? मैं कह रहा हूँ इस आदमी को जिंदगी भर मत भूलना। संजीव बाबू, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे कर्ता धर्ता हैं। इसके एवज में आप मेरी जान भी मांगेंगे ना, तो मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा। जान नहीं चाहिए आपकी, बस जिंदगी चाहिए। मतलब जिंदगी के अनुभव। दरअसल हमारा चैनल एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है आपकी बीती जिंदगी के बारे में, और उसके लिए आपका वक्त चाहिए होगा हमें। अरे संजीव बाबू, उतना पुराना तो मुझे याद भी नहीं है। अगर ऐसा है तो चेतना ही दे दो। चेतना, चलो ठीक है। तो चेतना के आगे आने वाले दिन बस हमारे चैनल के लिए होंगे, और चेतना जहां जहां जाएंगी उसके पीछे हमारा चैनल आएगा।
और चेतना किसी और पत्रकार किसी और चैनल को कोई इंटरव्यू भी नहीं देंगी। और आज से चेतना की जिंदगी बस हमारी चैनल की हुई। यूं ही नहीं, एक अच्छी खासी रकम देने के बाद जो भी हो, लड़की को इस काम में भेजने का कोई जरूरत नहीं, जब मैं यहाँ अच्छा खासा बैठा हुआ हूँ। बेशरम, उससे एक मुर्गी भी नहीं मार सकता डरपोक। तुझे समझना चाहिए, तेरी जिंदगी बताने के लिए मैं अपनी लड़की की जिंदगी दांव पर लगा रहा हूँ। जितना एक लड़की है, उसे शादी करके घर पर ही मैं बनाना है। मेरी लड़की कोई मामूली चीज है क्या है? विश्व में पहली महिला जल्लाद बनने जा रही हो? चेतना, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम तैयार हो जाओ, हमें जेल भी जाना है। खाता हूँ, कब बैठता हूँ, कहाँ उठता हूँ, कहाँ सोता हूँ, ये सब तुम्हें बताओ, ऐसा हमारे करार में नहीं लिखा है। इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, उसके पिता है आप। अगर कोई और होता तो मैं इस तरीके से पेश भी नहीं आता। शादी की बात भी करार में नहीं लिखा है। हाँ सही कह रही हूँ। अच्छा संजीव बाबू, आपने कहा आप मेरी बेटी से शादी करेंगे, इस बात में कितना दम है बताओ? करार में नहीं है क्या? नहीं है। ये है सोने की अंगूठी, और अब मैं ये चेतना के हाथ में पहनाने जा रहा हूँ। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दो चेतना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लड़की के पिता और इस फांसी के खंभे को साक्षी मानकर मैं चेतना के हाथ में अंगूठी पहना रहा हूँ। पालने के अलावा एक लड़की को क्या परेशानी होती है बताओ? पिताजी, आपने कभी मां से
प्यार नहीं किया। स्त्री और पुरुष का प्यार बहुत अलग होता है। खुश रखने वाली स्त्री से ही आदमी प्यार कर सकता है, जबकि एक औरत जो उसे दर्द देता है उससे भी प्यार कर सकती है। संजीव बाबू, क्या हुआ चेतना? उसकी तबीयत खराब है। प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। मैनेजमेंट बहुत परेशान है। चेतना को आज आना ही होगा, वरना रेटिंग गिर जाएगा हमारा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, आपको दिख नहीं रहा। करार साइन किया था आपने, भूल गए क्या? मैंने करार तोड़ दिया, जाके केस कर दीजिए। नौकरी चली जाएगी? बहुत अच्छा, मैं आपको देखना ही पसंद नहीं करती। इतनी देर से मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। अच्छी सी खाद होती है चेतना जी। मेरी भी। आपको क्या लगा आप हमारे घर में आके कुछ भी करेंगे? मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ क्या? यकीनन हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन शरीर बेचकर पैसा कमाने की नौबत अभी तक नहीं आई है। लगातार हमें परेशान करते आ रहा है, हर दिन पहले से जाने दिया। निकल मेरे घर से। कोई बात नहीं गृद्धा दादा, वो बीमार है इसीलिए आराम करने दो उसे। चलता हूँ। गुड बाय चेतना। चेतना, आज तुम्हें चैनल वालों के पास जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी उम्र हो चुकी है, उन्हें युवा लोगों की जरूरत है। वो तो कहते हैं कि तुम देश की युवा शक्ति और नारी शक्ति का प्रतीक हो। उनसे सब नहीं होगा। मैं अभी लगाऊंगा। इस करती है। भगवान ने हमें एक मौका दिया, इसे मैं हरगिज खोने नहीं दूंगा। जो भी हो तुम्हें चलना होगा। उठो। उठ। जब पूरे विश्व भर में मृत्युदंड की मुखालफत हो रही है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार यतीन्द्रनाथ बनर्जी के फांसी के पक्ष में खड़ी है। मुजरिम के मानवाधिकार से ऊपर पीड़ित के मानवाधिकार रखने वाला गुनाह के घेरों में आ चुका है। और हैंग वुमन डायरी के पहले एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चेतना गृदा मलिक हमारे साथ मौजूद है। आइए कुछ गुफ्तगु करते हैं। नमस्कार चेतना, हमारे दर्शकों को पिछले दो हफ्ते का अनुभव बताइए, कैसा रहा? ये तो अधूरा सवाल है। मेरा अनुभव पिछले दो हफ्तों का नहीं, 2000 साल पुराना है। क्या आपने कभी किसी के गले में फंदा डाला है? ये सवाल आप ही को पूछना था। हमारे घर के बच्चे ये हुनर माँ के पेट से सीख कर आते हैं। ये पिछले जमाने में दाई कहती थी और आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं। एक आदमी को मारने के बाद आपको गुनाह का एहसास नहीं होता है क्या? मैं मारती नहीं, सिर्फ लिवर खींचती हूँ। जल्लाद का काम है कानून का पालन करना, उसको बदलना नहीं। जब आप देश की पहली महिला कार्य जब देश की पहली महिला जल्लाद बनने का कार्यभार संभालने जा रही हैं, तो ऐसे में आपको कितना खुशी है बताइए। ये पल हर किसी को गौरव से भर देगा और इस घटना से इस बात पर भी मोहर लग जाएगी कि एक औरत हर तरह का काम कर सकती है। क्या आप एक फेमिनिस्ट हैं?
मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है? बड़े गंभीर आशयों के साथ चेतना ग्रदा मलिक हमारे बीच में सवाल रख रही हैं, और इसी के साथ हैंग वुमन डायरी का पहला एपिसोड आप सभी लोगों के बीच बहुत बहुत नमस्कार। क्या बात है, चेतना जी? मैंने सुना आपके पिताजी दूसरे चैनल को इंटरव्यू देने गए हैं। हमारे चैनल का क्या होगा, रेटिंग गिर जाएगा हमारा? कॉपरेट विद अस। इंसान को ठंडा करने की जगह उसको गर्म करने वाली कलकत्ता की बारिश, वैसा है मेरा प्रेम। मुझे नहीं पता कहीं मैं तुम्हारे ज्यादा करीब तो नहीं आ रही। चेतू, क्या सोच रहे हो? ये प्रोग्राम के लिए फांसी का फंदा नहीं बनाना है? हाँ। मैं बताऊं आप अभी क्या सोच रहे हैं कि अगर मैंने आपको सताया तो आप मेरे गले में फंदा कैसे डालोगे? चेतना, जब से हम दोनों ने एक दूसरे को जाना है तब से अब तक पहली बार मैंने एक औरत को मर्द द्वारा दी जाने वाली मुस्कुराहट देखी है। मेरा अनुमान सही था? नहीं। माँ को ये फूल बहुत पसंद है। बताइए क्या सोच रही है? एक बार तो मैं तुम्हें चखना चाहूंगी। मैं माफी मांगता हूँ चेतना, ये पहली बार है जब मैं किसी औरत से माफी मांग रहा हूँ। ये फूल मुझे भी बहुत पसंद है। दादा। अरे संजीव बाबू। सुखदेव दादा। चेतना। हाँ। चेतना। जी बाबा। अरे देखो कौन आया है। कौन है? मैं शादी के बारे में बात करने आया था। नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। ये तुम्हारी कोई चाल है? तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर है। क्या है ये? संजीव बाबू, मैं इस लड़की को समझा समझा के थक गया। आप ही करिए जो करना है। कौन सा मुनाफा? एक इंसान को किस किस तरह से मारा जा सकता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसी तरह तुम भी जानते हो लड़की को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है। What do you mean? सुनिए। तो क्यों मुझे खाना दिखाए? क्यों मुझे चूमने दिया? और क्यों मेरे साथ हम भी? हराम जाती, परिवार का नाम खराब करती, इसको मैं मार डालूंगा भी। अरे दो। अरे बट। ये तो
मन से ही नहीं शरीर से भी स्त्री और पुरुष का मेल होना चाहिए। तुम इतने दिन मुझसे बात नहीं की, क्या मैं इतना नीच हूँ? जब से ये जल्लाद की नौकरी मिली है मेरे पास कहने को कुछ नहीं। पहले मैं पुलिस और यहाँ तक मौत से भी नहीं डरता था। माओवादी कहकर जब पुलिस ने नाखून पर किला घुसा लोहा पिघला कर शरीर पर डाला तब भी मैंने रोबा कुली गाया। वो पुराना सुखदेव कभी वापस नहीं आएगा। नहीं काकू, आप पहले जैसे काकू ही हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा ने जो कहा मेरे से एक भी नहीं मारी जा सकती, मैं ऐसे ही बन चुका हूँ। हाँ तो फिर तुझे जल्लाद का काम दिलवा दे। जेठना ने जो किया उसमें क्या गलत है? हरामी, मेरी बेटी मेरी आंखों के आगे वेश्या बन जाए यही चाहता तू? तुम्हें यह कहने का हक नहीं है। जब तुम रोज रोज औरत की तलाश में सोना काची जाते हो उसमें कोई गलती नहीं है। लोगों को फांसी देने वाला महान जल्लाद फणी भूषण गदा मलिक अपने भाई के मर्डर केस में रिमांड पर लिया जा चुका है। इस केस में एक एंटी क्लाइमेक्स उभर कर आया है और देखना यह होगा कि चेतना गदा मलिक किस तरीके से अपने पिता और चाचा की सहायता के बिना अपने पिता को सजा देने में कामयाब होंगी। और पूरे राज्य की नजर इस पर है। तब तक के लिए बने रहिए हैंग वुमन डायरी के साथ।
सिंधे बाबू, क्या बात हुई? ऊपर से ऑर्डर आया है, जितना को यहाँ से जल्दी हटाना होगा। हटाना होगा? कहाँ हटाना होगा? जेल। जितना? जितना? बाबू वो छोटी बच्ची है, वो अकेले कर रही है ये सब। ये आपको पहले सोचना चाहिए था पंडा। जी आशीर्वाद दीजिए। बेटा, मेरी प्रार्थना है तुम्हारे साथ है, पर एक बात मत भूलना, अपने बाप के गले में फांसी का फंदा डालते वक्त तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। कौन है?